बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स आफताब अदारी आपसे मुखातिब हूँ। आपको हमेशा जो है वो अपडेट करता हूँ आपके एग्जाम के हवाले से, आपके पेपर की डेट के हवाले से, और इसके अलावा हम जो है वो जो बीकॉम के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है वो उनके एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छे अच्छे लेक्चर्स जिनके बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं वो जो है वो लेके आता हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूँ आपके एग्जाम्स के हवाले से, और स्पेशली आपके एग्जाम की जो एडमिशन डेट है ना उसके हवाले से। यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने एक बार फिर से बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के जो एडमिशन डेट थी सप्लीमेंट्री एग्जाम की, सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन जो के मार्च के तीसरे हफ्ते में एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, उनकी जो एडमिशन डेट है उसको 15 फरवरी 2022 से बढ़ा के तो जनाब उसको 22 फरवरी 2022 तक जो है वो कर दिया गया है। अब जो वो तमाम स्टूडेंट जो रह गए थे या किसी वजह से वो अपना जो है वो एडमिशन सबमिट नहीं थे करवा सके, तो वो तमाम स्टूडेंट सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जो है वो जरूर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करें, अपना एडमिशन जो है वो भिजवा लें। ऑनलाइन एडमिशन है, पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का प्रॉपर एक जो है वो आइकन नजर आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें आपको जो है वो ले जाएगा ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में, और वहां पर आपने सारा ऑनलाइन करना होता है। आपने फीस वगैरह जमा करवा के बैंक के अंदर तो उसकी जो अपडेट है फी चलान की वो भी अपनी ऑनलाइन जो है वो करनी होती है, और आपको हार्ड फॉर्म में कुछ भी जो है यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं भेजना। ये तो हो गई जी बात कि 22 फरवरी तक जो है वो आपके एडमिशन डेट को बढ़ा दिया गया है, और साथ में आपके एग्जाम्स के हवाले से पहले जो है वो मार्च का तीसरा हफ्ता जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आपके एग्जाम्स हैं। अभी एक्सपेक्टेशन तो यही है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक टाइम दिया गया है अपने प्रीवियस जो नोटिस था कि जब उन्होंने लास्ट टाइम अपनी डेट को एक्सटेंड किया था एडमिशन की 7 तारीख से बढ़ा के 15 कर दिया गया था, उस वाले नोटिस के अंदर यूनिवर्सिटी ने लिखा था कि मार्च के तीसरे हफ्ते में जो है वो एडीपी, बीकॉम, बीए, बीएससी इनके जो है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे, लेकिन अब क्योंकि वो डेट 15 से बढ़ा के 22 कर दी गई है तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो कुछ हो रही है। हो सकता है कि मार्च का पूरा महीना जो है वो आपको मिल जाए, हो सकता है, देखते हैं कि इसमें जो है वो किस तरह से यूनिवर्सिटी रिएक्ट करती है और वो फौरन से क्या मार्च के तीसरे हफ्ते में पेपर लेती है या नहीं। लेकिन एक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जनाब आपका जो पेपर है माइट बी पॉसिबल कि 8-10 दिन मजीद वो भी आगे चला जाए। सो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास इतना टाइम जरूर है कि आप लोग जनाब अपने बीकॉम, बीए, बीएससी के सर्टिफिकेट को अच्छे से तैयार कर सके, और स्पेशली जो मेरे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं दूर दराज से मेरे से रब्ता करते हैं और मेरी जो है वो इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल करते हैं, तो आप सबका जो है बहुत शुक्रिया। साथ में कि आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने बहुत सारे पहले ही अपलोड किए हुए हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जिस सब्जेक्ट के चाहिए हो उसका आगे नाम लिखे बाय आफ्ताब अदारी लिखे तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, जैसा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय आफ्ताब अदारी, तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले उनको आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह ताला आप जो है वो अपने उन तमाम सब्जेक्ट में इजीली जो है वो निकल जाएंगे, बस आप लोगों की थोड़ी सी टेंशन चाहिए। इसके अलावा जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं प्रॉपर जो है वो वीडियोस जो है वो डे बाय डे ऐड करता जा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो पसंद आ रही होगी। आप लोगों को आप लोगों की जो लाइकिंग है वो मुझे आपके कमेंट से जो है वो हमेशा पता चलती है, तो बहुत शुक्रिया बेटा। आप मजीद अपने एग्जाम्स की अपडेट के लिए आफ्ताब अदारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।